हमको अपने पापा पर बहुत गर्व है जो हम लोग ये बागवानी देख रहे हैं। और ऐसे ही जब हम लोग छोटे थे उस टाइम ही अर्जुन मुंडा सरकार था, मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पापा को मुख्यमंत्री तरफ से पुरस्कार मिल चुका है खेती के नाम पर, तो हमें अपने पापा पर बहुत गर्व है। तो आप साल भर मतलब खेती करते हैं कुछ ना कुछ? हाँ, साल भर हम लोग खेती करते हैं। केला बागवानी मिलेगा, केला के बाद हम लोग को कुछ दिन के बाद आम मिलेगा, आम के बाद लीची, ये सारे बागवानी से हम लोग को फायदा मिलता है। ये हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से ही मेरे पिताजी काम करके हम लोग को पढ़ा लिखाए, और हमसे बड़े भैया हैं, उनको जॉब लगा है, ये डिफेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, और वो अभी यही खेती के द्वारा ही हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम लोग तरबूज को पिछले बार लगाए थे तो इकट्ठा हम लोग बेच दिए ट्रक में, इसी तरह अभी हम लोग को बहुत खुश हो रहा है, जोश हो रहा है, उसी के चलते हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि एक मुश्त जो भी खेती करेंगे जैविक खेती से ही हम लोग करें। इनका नागपुरी चैनल है, ये नागपुरी मेलोडी के नाम से ये प्रोड्यूसर बन चुके हैं। जोहार, नमस्ते, आप सबों को मेरे YouTube चैनल मिंज ब्लॉग सिमडेगा में स्वागत है। मैं अमित मिंज और मेरे साथ आप देख रहे हैं ये टोपी वाले भाई आकर्षण हैं, और आकर्षण के पिताजी और आकर्षण के भाई। तो आज हम आए हैं इनके बागान में, जो आप देख रहे हैं ये केला का बागान है। तो ये इन्हीं का मेहनत है और ये अपने से ही ये बागान को लगाए हैं। अब बाकी हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये इसके पीछे कितना मेहनत किए हैं और कितना इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए एक एक करके इनके पिताजी से बात करते हैं। तो पिताजी, आपका नाम बताते हुए, अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आप कैसे शुरुआत किए इस काम को। मेरा नाम नोएल लकड़ा है, ग्राम करीडांड छठई टांगर, और पंचायत हमारा पकड़डांड भी पड़ता है, प्रखंड भी पकड़डांड पड़ता है। हम यहाँ से बचपना से ही खेती बाड़ी में जुड़े हुए हैं, और जितने भी मेरा बाल बच्चों को खेती बाड़ी से ही पढ़ा लिखा करके कुछ शिक्षित कराए किया, ये लोग पढ़ाई लिखाई किया, और तब ये लोग को मैं खेती ही बाड़ी से कर करके ये लोग को अपना ये लोग को पैर में खड़ा होने के लिए आत्मनिर्भर किया हूँ। और अभी तक भी मैं खेती बाड़ी में लगा हुआ हूँ पूरी जोश के साथ, फिर भी कभी कभी तो मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे समस्या आ जाता है, उसको समाधान करने के लिए नहीं सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ सोलर पंप लगा हुआ था, उसमें मोटर चोरी हो गया, तो हमको कठिन समस्या झेलना पड़ रहा है। और नहर का सुविधा है, तो नहर का सुविधा जो मेन नहर में ही पानी केवल चल रहा है, इधर शाखा नहर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको मैंने विभाग को काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग का बागान तक पानी पहुँचे, ताकि हम लोग खुशहाल हम लोग खेती बाड़ी करेंगे और अपना आत्मनिर्भर करेंगे। हम लोग पिछले समय तरबूज का भी खेती किए बहुत अच्छे तरह से, और नौजवानों लोगों को जो प्लानिंग बनाया था बाहर जाने के लिए दिल्ली बॉम्बे गोवा जो रोजगार करने के लिए, उन लोग को रोक करके हम लोग रखे, और लोग तरबूज का खेती करके अच्छी कमाई किया। इस बार फिर से हम लोग प्लानिंग सोच रहे हैं मटर और तरबूज का खेती करेंगे, और तब इसको एक मुठ हम लोग बेचेंगे, यही हम लोग का सोच है, हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बातों को। तो जैसे बाबा ने बताया कि ये जो जितना भी मेहनत कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, और मेहनत करके ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ ये अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि सामाजिक मुद्दा होता है ट्रैफिकिंग, जो यहाँ से पलायन की बात कर रहे हैं ये, तो नौजवान, बहुत सारे नौजवान यहाँ से दिल्ली बम्बई जाने की सोचते हैं, तो इन सब जो बागवानी है उन सब चीज़ों में ये बच्चों को या फिर नौजवानों को एंगेज करके उनको भी रोकने का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है बाबा। तो आप ऐसे काम करते रहिए, हम यही आशा करते हैं। ये जो बागवानी, जो केला का बागवानी है, ये इतने अच्छे तरीके से लगाए हैं,
तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये हम लोग बचपना से ही, हम लोग का मेरा पिताजी खेती बाड़ी किसान था और सामाजिक सेवा करते ही रहता था, तो उसी से हम लोग का छोटा मोटा केला का पौधा लगाया करता था। तो हम लोग को कृषि विभाग से एक एनजीओ चला जो अमर जागृति, उसने संपर्क किया हम लोग और हम लोग को दिया पौधा, एकदम नाजुक के समय में छोटा छोटा पौधा दिया था, उसी को हम लोग लगाए। और हम लोग को विश्वास नहीं था कि ये पौधा केला का पौधा है या मकई का पौधा, यही सोच रहे थे, वैसे इतना छोटा था, लेकिन हम लोग विश्वास किए कि ये सचमुच केला है और हम लोग को एक दिन ये अच्छा फल मिलेगा बोल करके हम लोग इसको काफ़ी मेहनत किए और मेहनत का फल हम लोग को ज़रूर मिला है और मिलेगा ही। ये कितने, मतलब कितना पैदावार दे चुका है? इसमें शुरू में हम लोग को 30-40 हज़ार का बेचे हैं। अच्छा, अभी तक कितना मतलब निकाले हैं, कितना केला निकाल चुके हैं? इसमें 300 पौधा लगभग था, तो तीन सौ पौधा में सभी एक बार निकल गया उसका जो फल मिला, उसके बाद में अभी उसको कटिंग कर दिए, कटिंग के बाद अभी इसका बच्चा है उसको थोड़ा अभी निकाई गुड़ाई कर रहे हैं और खाद वगैरह दे रहे हैं, तो उसी से हम लोग का फल मिलेगा, यही आशा है। तो मोटा मोटी कितना लागत पड़ा इसको करने के लिए? इसमें मोटा मोटी हम लोग को ही 10-15 हज़ार इसमें लगा, खाद वगैरह इसमें मेहनती जो कुछ भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं जोड़ते हैं तो 15 हज़ार लगभग। मतलब ये विभाग के तरफ से आपको सहायता मिलता है? नहीं, विभाग तरफ से नहीं मिलता है, अपने से स्वयं करते हैं इसको। आपके अलावा परिवार के कितने लोग इस काम में मतलब सम्मिलित होते हैं? हम लोग का पूरा परिवार, मेरा 5 बच्चा है, बेटा बेटी, एक बेटी है, 4 बेटा है, उसमें 2 बहू है। तो केला के बगान के अलावा आप कौन कौन सा खेती करते हैं? केला के अलावा अभी हम लोग जो साग सब्जी में बैंगन हो, मिर्चा हो, टमाटर हो, मटर, ये सब आलू सब लगाते हैं और लगाने का प्लानिंग किए हैं। थोड़ा सा मौसम अभी खुलेगा तो हम लोग तुरंत मटर का खेती करेंगे, लगाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए तो आपके पास नहर की व्यवस्था है ना? नहर का व्यवस्था है, मेन नहर केवल में पानी चल रहा है, उसको हम लोग 10 किसान या 15 किसान मिल करके हर एक खेत में पानी पहुंचाने का कोशिश करेंगे हम लोग मिलजुल करके। और सभी कोई हम लोग प्लानिंग सोच रहे हैं कि इस बार काफ़ी मात्रा में हम लोग खेती करेंगे मटर आलू ये सब का। जो मेन नहर में पानी चल रहा है वहां से आपके खेत तक पानी लाने के लिए व्यवस्था आपको खुद करना पड़ेगा? खुद करना पड़ेगा हमको। उसके लिए क्या व्यवस्था करिएगा? उसमें हम लोग अपने से वही कोड़ी कुदाल ये से हम लोग करेंगे, अपने से श्रमदान करेंगे। उसके लिए मशीन वगैरह लगाना पड़ेगा? नहीं, मशीन से कोई हम लोग को उतना हम लोग के आय नहीं है, पूंजी नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मशीन तो कर ही लेता। अच्छा, मेन नहर से आपको एक सब नहर, छोटा नहर बनाना पड़ेगा कुदाली से जी अपने खेत तक लाने के लिए? जी हाँ, ठीक, अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो आप साल भर मतलब खेती करते हैं कुछ ना कुछ? हाँ, साल भर हम लोग खेती करते हैं, केला बागवानी मिलेगा, केला के बाद हम लोग को कुछ दिन के बाद आम मिलेगा, आम के बाद लीची, ये सारे बागवानी से हम लोग को फायदा मिलता है। और साग सब्जी तो सालों भर हम लोग करते हैं। चलिए, ये भी एक उद्यम है, खेती भी एक उद्यम है जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ साथ आप अपने गांव वालों को जोड़िए और एक उदाहरण पेश करिए पूरा सिमडेगा में, पूरा झारखंड में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना आगे के लिए। अच्छा, आपके साथ एक लास्ट सवाल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए और जो लोग ये चीज़ करना चाहते हैं, ये खेती करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कोई चाहते तो हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और करते हैं लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो हमारे दर्शक जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोग के लिए हम लोग यही दर्शक, मेरा जो साथी है, उन लोग को जैविक खेती करो और जैविक खेती करने से और एक मुश्त हम लोग एक तरह का खेती करेंगे तो खुद उन लोग हम लोग से संपर्क करेंगे और हम लोग को सब्जी को ले जाएंगे, जिसे हम लोग तरबूज को पिछले बार लगाए थे
तो इकट्ठा हम लोग बेच दिए ट्रक में। इसी तरह अभी हम लोग को बहुत खुश हो रहा है, जोश हो रहा है, उसी के चलते हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि एक मुश्त जो भी खेती करेंगे जैविक खेती से ही हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग का जो भी फल फसल अच्छी तरह से उगे और हम लोग को बिक्री अच्छी तरह हो करके अच्छी आमदनी हम लोग कमाएंगे, ही सोच हम लोग का है। तो ये है हमारे आकर्षण भाई के पिताजी, और ये बहुत अच्छा उद्यमी है, इनको बहुत आइडिया है खेती का, और सिमडेगा जिला में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने गांव घर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं इस खेती से, और सामाजिक मुद्दे पर भी ये काम कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये पलायन को रोकने के लिए यहाँ के युवकों को जोड़ने का काम किया इस खेती से। तो अभी हम इनके बेटे आकर्षण से जानना चाहेंगे कि ये बचपन से पिताजी को देखते आ रहे हैं छोटे से, तो इनको कैसा लगता है? देखिए, मेरा नाम आकर्षण लकड़ा है, और हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से ही मेरे पिताजी काम करके हम लोग को पढ़ा लिखाए, और हमसे बड़े भैया हैं, उनको जॉब लगा है, ये डिफेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, और वो अभी यही खेती के द्वारा ही हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग भी जब भी खेत आते हैं, पापा को देखते हैं खेत में काम करते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा हाथ बताते हैं। वैसे हल जोतने तो हमको आता नहीं है, पर जब भी मौका मिलता है तो हल चलाते हैं। हमको अपने पापा पर बहुत गर्व है, जो हम लोग ये बागवानी देख रहे हैं, और ऐसे ही जब हम लोग छोटे थे उस टाइम ही ये अर्जुन मुंडा सरकार था, मुख्यमंत्री थे उस टाइम, पापा को मुख्यमंत्री तरफ से पुरस्कार मिल चुका है खेती के नाम पर, तो हमें अपने पापा पर बहुत गर्व है, और ये खेती बाड़ी ऐसे ही करते रहें और हम लोग भी इसका साथ देते रहेंगे, और हम लोग भी सोचते हैं कि जब पापा इतना मेहनत से हम लोग को पढ़ाई लिखाए हैं, तो हम लोग भी अपने माँ बाप को कुछ अपने तरफ से करके देंगे, तो वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी अपने माँ बाप को कुछ देने के लिए। तो आकर्षण के बारे में बता दूँ, ये अभी इनका नागपुरी चैनल है, ये नागपुरी मेलोडी के नाम से ये प्रोड्यूसर बन चुके हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है इनका चैनल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगभग हर दो महीना में एक गाना आ जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे झारखंडी नागपुरी सिंगर्स के साथ एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको भी आकर्षण बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आगे के लिए। आज हम आपको मिलाए आकर्षण के पिताजी, जो कि ठेठे टांगर करजीडांड गाँव में है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियो आपको हम लाते रहेंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आप सबों को जोहार।